हमें वो दूसरे ट्रक ड्राइवर का पता चल गया है, अगर आप एक बार आकर देख लेते तो। हाँ हाँ मैं अभी आता हूँ। ठीक है मीरा, मैं जरा पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। धर्म जी आप इस केस में इतनी हेल्प कर रहे हैं, से थैंक यू सो मच। अरे फिर तू ये थैंक्स थैंक्स बोल रही है? अरे कहाँ ना, घर की बात है। दीप, पापा जी कहाँ गए? वो पुलिस स्टेशन गए, दूसरा ट्रक ड्राइवर मिल गया है ना इसलिए। थैंक गॉड दीप, आई होप ये केस जल्दी सॉल्व हो जाए अब। हाँ माँ कह रही थी कि जग्गी जी को बेल करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, होपफुली उन्हें बेल मिल जाएगी ना। पर आई होप कि पापा की मौत के पीछे जो भी जिम्मेदार है वो भी जल्दी पकड़ा जाए। जब वो इंसान को पनिशमेंट मिलेगी ना तो फिर शायद सबको इंसाफ मिलेगा। इस वक्त आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं कह रही हूँ ना आपसे पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे गोपी? कुछ कर लेंगे मामी जी, लेकिन इस वक्त प्लीज आप शांत हो जाइए, आप अंदर जाइए, मैं जग्गी जी से मिलकर आती हूँ, आप जाइए अंदर जाइए। कुछ तो गड़बड़ है। आज फिर जीने की तमन्ना है आज। अरे दंजू भाई क्या बात है, चेहरा एकदम खिला जा रहा हो गया है। भाभी ने लगता है घर-घर नाश्ता करवा के भेजा है। ओ हीरो, वैसे खुश हो रहा है जैसे किसी फाइव स्टार होटल में छुट्टी मनाने निकला है। अरे भाई जब इंसान यहाँ से खुश हो ना तो फिर जेल हो या जंगल क्या फर्क पड़ता है। ये बात तो सही कही तुमने, जब जेब भरी हो तो आदमी खुश होता है। मैंने दिल बोला है, पगले दिल समझा। ऐसी कौन सी बात है जो तेरा दिल इतना खुश हो रहा है? छोकरी को चक्कर लगता है? छोकरी नहीं मेरी जान है जान, और जब जान साथ हो ना तो इंसान को ना सारी दुनिया खूबसूरत लगती है। और वो जान ऐसी वैसी दी है तो देखना, अभी दो दिन में ना मुझे यहाँ से आउट करवाएगी। तेरा अच्छा है हा? तू तो एकदम बाहर और हम यहाँ सड़ते रहेंगे और यही सड़ा हुआ खाना खाते रहेंगे। अबे खाने से ज्यादा। अरे धनजू भाई, अरे अब क्या हुआ? अपनी तो पेट पूजा करके आ गए तुम, हमें भी तो बताओ यार नाश्ते में क्या बना है। ऐसा लग तो रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा तो है, लेकिन कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ याद आए तो आप कॉल कर लीजिएगा। हाँ जरूर, लेकिन इंस्पेक्टर मुझे इस फोटो की एक कॉपी मिलेगी? हाँ हाँ श्योर, इन्हें इस फोटो की एक कॉपी दे दीजिएगा। सर जी थैंक यू धर्म जी, आपने काफी मदद की हमारी इस केस में। अब बस भगवान करे कि अहम भाई की मौत का असली गुनहगार मिल जाए और जग्गी भाई जल्दी बाहर आ जाए। ठीक है इंस्पेक्टर, फिर मिलते हैं। श्योर। सुना मोना, रुमी मासी ने क्या कहा? वो अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़कर जग्गी की बेल के लिए पैसे जमा कर रही है। वाह रुमी मासी वाह, अपने जगीड़ा पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है आपको।
पर मॉम जी अब हम क्या करेंगे? अरे अब तो वो इजीली बेल करवा लेंगे। नहीं मोना, बेल करवाना कोई इतना आसान काम नहीं है, और मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। मेरे रहते हुए जग्गी का जेल से छुटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब ये घर मुझे जग्गी के बिना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है। मेरे परसों की बचत को एक ही सेकंड में चुरा कर ले गए कमीने। लेकिन नानी सासू माँ, अब हम जग्गी जी की बेल के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? सोना बेटा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन आंटी जी, एक मिनट। हेलो उमेश भाई जी, नमस्ते, मैं उर्वशी बोल रही हूँ जी। वो घर बेचने के लिए मैंने उमेश भाई फोन किया था आपको। लेकिन आंटी जी, जी जी मैं जानती हूँ कि मार्केट में मंदी चल रही है, पर उमेश भाई मुझे पैसों की सख्त जरूरत है जी। अच्छा सोना बेटा, अगर मेरा बेटा ही जेल में है तो फिर घर रख कर क्या करूंगी मैं? उर्मी, सच की राह में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन तुम देखना अंत में जीत हमारी ही होगी। मेरे चक्की को इंसाफ जरूर मिलेगा। चक्की जी, आप चिंता मत कीजिएगा, आपकी बेल बहुत जल्दी हो जाएगी। अरे गोपी का टेंशन को ले रहा, तो भी जितना टाइम लेना ले लो। अच्छा वो ड्राइवर का कुछ पता चला? नहीं चक्की जी, अभी तक कुछ नहीं पता चला। टेंशन नॉट, मुझे बाहर आने दो। अगर वो पताल में भी छुपा होगा ना, मुझे वहां से भी ढूंढ लाऊंगा। हाँ जग्गी जी, बस बुरा इसी बात का लग रहा है कि जो गुनेगार है वो बाहर घूम रहा है, और जो बेगुनाह है वो अंदर है। अरे गोपिका, मेरे को तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। देख पापा, तुम जब से तुम मेरे साथ हो ना, तब से मुझे वो यहाँ की वो क्या बोलते, वो रबड़ वाली रोटी भी ना थेपला लगने लगी है सच में। एक बात कहूँ आपसे जग्गी जी, जब तक आप यहाँ हैं, हिरासत में हैं, तब तक प्लीज कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत कीजिएगा, समझ रहे ना आप? वरना बेल मिलने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके, जो हुक्म मेरी टीचर। बस अबे यो, क्या ताड़ रहा है, जा अपना काम कर। हाय, ये आंखें एक कम वक्त आके उनसे हटती नहीं। ये समझाना अभी अच्छे से। चल दूर हट, ये मेरी आंखें, मैं कहीं भी देखूं तुझे क्या। जी जाने दीजिए। मान गए बॉस तुझे, सॉलिड माल फंसाया तुमने। तुझे आखिरी बार बोल रहा हूं, अपना मुंह बंद रख और जाए यहां से। देख भाई, जैसे हम यहाँ पे सब कुछ बांट के खाते हैं ना, वैसे इसको भी बांट सकते हैं ना। कोई और तो घूरता है ना, तो जग्गी उसे छोड़ता नहीं, और तू तो मेरी गोपिका को देखी तो। ये भगवान जग्गी जी, ये आपने क्या किया? कोई है? कोई है प्लीज? अरे क्या हो रहा है? अरे उठाओ इसको, बहुत खून बह रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और इसका ट्रीटमेंट करवाओ। क्यों मारा इसको? इंस्पेक्टर, जग्गी जी। जग्गी को दूसरे सेल में शिफ्ट करो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, आप गलत समझ रहे हैं, इसमें गलती जग्गी जी की नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इसमें जग्गी जी की गलती हो या ना हो, खून किसने बहाया? उसने, तो मुझे कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। पर जग्गी जी को कुछ होगा तो नहीं ना? मेरा मतलब उन्हें बेल मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी, और वैसे भी हिरासत में अगर कोई ऐसा करता है तो फिर हम उसे सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर देंगे। ये भगवान, सेंट्रल जेल? हाँ, और एक बार अगर कोई सेंट्रल जेल पहुंच गया तो उसकी जमानत बहुत मुश्किल से मिलती है, और वैसे भी आज पुलिस रिमांड खत्म हो जाएगा,
तो हमें उन्हें शिफ्ट करना ही होगा। इंस्पेक्टर मुझे मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, आज मैं आज ही कोशिश करूंगी कि कैसे भी करके मैं आज बेल करवा लूं। आपके पास वक्त बहुत कम है गोपी जी। क्या बात है, आज वातावरण इतना गंभीर क्यों है भाई? वहां धर्म भी हड़बड़ाहट में चला गया, यहां तुम दोनों के मुंह पे 12 बजे, क्या बात क्या है? वो पाजी एक्चुअली चक्की अंकल माँ, भगवान भला करे इन मोदियों का। मेरा मतलब है तुम्हारे घर वालों का। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो डर ही गई थी। कौन ना बीबरे, ये तो कुछ भी नहीं है। अब तो हमें इससे भी बड़े बड़े कारनामे करने हैं। चलो फटाफट ये मैट्रेस उठाओ। ये मैट्रेस क्यों? जल्दी उठाओ मुन्ना। हो गया, मेरी प्लानिंग में कोई गड़बड़ हो उसका तो कोई चांस ही नहीं है मोना। अब गोपी बहन जमीन आसमान एक कर देंगी ना, फिर भी अपने जग्गी जी को छुड़ा नहीं पाएंगी। इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए मॉम जी। यू नो ना, बड़ी मॉम जी का कान्हा जी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। उन्होंने एक बार ठान लिया ना तो चक्की पर एक नंबर नोट, डफोड़ से डफोड़। जेल में ऐसे कोई मारा मारी करता है क्या? एक तो मेरे पैसे चोरी हो गए और ये चक्की ने लफड़ा किया, अब जमानत कैसे होगी गोपी? इससे पहले कि वो चक्की जी को सेंट्रल जेल भेज दे, 3 लाख जमा करके उनका बेल करना बहुत जरूरी है। गोपी ये ले बेटा। मासी जी ये सारे पैसे, जा जल्दी से मेरे चक्की को ले। और आप इतना हाफ क्यों रही हैं? अरे मैं ठीक हूँ बेटा। आइए इधर बैठिए। अरे अरे नहीं मैं ठीक हूँ, बैठिए एक मिनट। ये लीजिए पानी पीजिए। उर्वशी बहन इतने सारे पैसे? वो उर्मी मेरे घर के 3 लाख रुपए एडवांस मिले थे। जा बेटा, कहीं देर ना हो जाए बेटा। मासी जी गौरा सूर्यवंशी बोल रही हूं, अपने कान के पर्दे साफ कर और मेरी बात ध्यान से सुन। कहते हैं कि किस्मत सबकी बदलती है, बस कमाल वक्त पे नहीं बदलती। लेकिन आज मेरे नसीब ने ऐसी करवट बदली है कि आज वक्त भी मेरी मुट्ठी में है
और किस्मत की लगाम भी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।